गाजीपुर से अमित उपाध्याय पत्रकार की रिपोर्ट। पुलिस लाइन समेत कई थानों पर चलाया गया स्वच्छता अभियान। गाजीपुर पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह के नेतृत्व में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत पुलिस लाइन में स्वच्छ भारत स्वच्छता अभियान चलाया गया। एसपी ने पुलिस लाइन में ट्रेनिंग कर रही रिक्रूट महिला आरक्षियों के साथ सफाई अभियान चलाया तथा एसपी द्वारा पुलिस लाइन परिसर की नालियों गड्ढों में पड़े प्लास्टिक कचरे को बिनकर इकट्ठा किया गया। एसपी द्वारा पुलिस लाइन परिसर में रह रहे पुलिस परिवार के घरों पर जाकर डोर टू डोर कचरा कलेक्शन भी किया गया तथा उन्हें स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। एसपी ने बताया कि अपने आसपास साफ सफाई रखने से ही हम स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां गंदगी के कारण ही फैलती है। इस अभियान में टास्क के रूप में पुलिस लाइन से 10 किलो कचरा और प्रत्येक थानों से 5 किलो प्लास्टिक कचरा इकट्ठा करने का लक्ष्य निर्धारित है। इस स्वच्छता अभियान में नेहरू युवा केंद्र के अधिकारी एवं वॉलंटियर भी मौजूद थे। इस अभियान के तहत समस्त थानों पर भी सफाई अभियान चलाया गया। देखिए, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और जब से प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हुए हैं उन्होंने स्वच्छ भारत का भी अभियान चलाया है, क्योंकि जो बीमारियां ज्यादा होती हैं वो सब गंदगी से ही होती हैं और जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है वो गंदगी की वजह से बहुत हमको लॉस होता है। यदि भारत स्वच्छ रहेगा तो बीमारियों से भी दूर रहेगा और ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास बहुत ज्यादा रहेगा। इसी वजह से आज़ादी के जो अमृत महोत्सव में आज सफाई अभियान चलाया गया और ये टारगेट दिया गया था कि हर पुलिस लाइन से 10 किलो और हर थाने से 5 किलो पॉलीथीन। तो आज हमारे यहाँ जो ये रिक्रूट आरक्षी हैं महिलाएं और नेहरू युवा केंद्र के जो अधिकारी हैं स्वच्छ भारत में जिनका अभियान चल रहा है वो सब लोग आए, सब ने इतना सारा यहाँ इकट्ठा किया कि आज पॉलीथीन बैग भी हमारे यहाँ कम पड़ गए। जनपद वासियों से क्या, मैं हर व्यक्ति से आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि सबसे पहले जरूरी है लाइफ की बेसिक चीज कि आप स्वच्छ रहें और आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखें, तभी जो क्लीन इंडिया का सपना है वो पूरा हो पाएगा।